इंटरनेट है कम और गेम्स चाहिए ज्यादा, या फिर ऐसे गेम्स चाहिए जो फट से डाउनलोड हो जाए और बाद में डेटा भी ना मांगे। अब ऐसी सभी जरूरतों के लिए ही तो आपका भाई काम आता है, इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो को बनाया है जहां पर मैं आप लोगों को 10 ऐसे मोबाइल गेम्स बताने वाला हूं जिनका साइज 250 MB या फिर उससे भी कम का देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारे के सारे गेम्स ऑफलाइन रहेंगे और अच्छी ग्राफिक्स और बेटर स्टोरी लाइन के साथ में आएंगे। अगर जानना है उन सभी गेम्स के बारे में तो देखिए इस वीडियो को एंड तक, और अगर लगती है अच्छी तो कर दीजिएगा लाइक, और फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मेरे भाई हो जाइए तैयार, इस सभाईदार वीडियो की काउंटडाउन रैंकिंग को करते हैं स्टार्ट, जहां पर एक के बाद एक तगड़े गेम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसी लिस्ट का वीडियो का फर्स्ट गेम निकल करके आता है रशियन कार ड्राइवर यूएसएड हंटर। ये एक मैसिव ओपन वर्ल्ड गेम है जहां पर आप लोगों को एसयूवीज के साथ साथ स्पोर्ट्स कार भी ड्राइव करने के लिए मिलती है, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स ड्राइव करने के लिए मिल जाती है, जिसमें आप लोग अपने शेल्टर को बना सकते हैं, एक्सप्लोरेशन पर जा सकते हैं, एनिमल्स को हंट कर सकते हैं, रेसिंग वगैरह कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और तो और एक प्रॉपर स्टोरी लाइन मिलती है जहां पर लाइफ सिमुलेटर एलिमेंट्स डाले गए हैं, यानी कि आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो खाना वगैरह खाना होगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा और ग्राफिक्स भी अच्छी मिल जाएंगी। रही बात गेम के साइज की तो वो है 120 MB, और जाहिर सी बात है वीडियो के सभी गेम्स ऑफलाइन है तो ये वाला भी ऑफलाइन है। और ये तो जस्ट शुरुआत है मेरे भाई, यो भी आगे आगे देखिएगा कितने तगड़े गेम्स आने बाकी है, जैसे कि वीडियो का सेकंड गेम निंजा असैसिन। ये वाला एक एक्शन आरपीजी गेम है जिसके अंदर आप लोगों को जापान की लोकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगी। ये भी आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, यानी कि आप लोग जापान के लोकेशंस में घूम सकते हैं और निंजा वाले काम कर सकते हैं। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, यानी कि फलाना फलाना लोकेशंस पर फलाना फलाना बंदे को मारना होगा, तो आप लोग छुपके छुपके जाते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं, हवा की रुख देखते हैं किस तरफ चल रही है, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, सही मौके और सही टाइमिंग पर अपना शॉट लेते हैं और सामने वाले एनिमी को मार डालते हैं। लेकिन पर्सनली यारो इस गेम से मेरी एक शिकायत भी है कि यहाँ पर आप लोगों को जनरली नाइट टाइम देखने के लिए मिलता है, अगर गेम डेवलपर्स दिन का समय भी ऐड कर देते हैं तो खेलने में और मजा आता। रही बात गेम के साइज की तो वो है 215 MB, और ऑब्वियसली गेम तो ऑफलाइन रहेगा ही। और इसी के साथ चलिए बात करते हैं वीडियो के थर्ड गेम की, जो की है रैली होराइजन। होराइजन सुनते ही आप लोगों को फोर्सा होराइजन सीरीज की याद आ जाती होगी, और मेरे हिसाब से तो आनी भी चाहिए, बिकॉज इस गेम के अंदर जो सिमिलैरिटीज आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो काफी ज्यादा है। ये गेम फोर्सा होराइजन सीरीज से हैवीली इंस्पायर्ड है, बिल्कुल वैसे ही गाड़ियां, वैसे ही रैंकिंग सिस्टम और इसी तरीके के अपग्रेडेशन के ऑप्शंस। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स मिल जाएगी, रेनी वेदर्स मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अलग अलग वैरायटी की व्हीकल्स ड्राइव कीजिए और खतरनाक रेस इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। रही बात गेम की साइज की तो वो है 250 MB, और ऑब्वियस सी बात है गेम ऑफलाइन। और अगर आप सभी लोगों में से कोई एक ऐसा खास बंदा भी है जिसके लिए 250 MB डेटा भी काफी ज्यादा है, तब तो ये वाला गेम आप लोगों के लिए है। मैं बात कर रहा हूँ वीडियो के फोर्थ गेम की, जिसका नाम है मॉन्स्टर किल। जी हाँ, ये वाला गेम आप लोगों को मात्र 60 MB के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा, और इस गेम के अंदर आप लोगों को ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, यानी कि अपनी पसंद की वेपन को उठाइए और सामने आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालिए। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स आते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के, और आप उन्हें छन्नी करते रहेंगे अपनी पसंद की वेपन से। अलग अलग लोकेशंस आते हैं, गेम के विजुअल्स एंड ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, और एक एड्रेनलाइन रश मिलता है ऐसे गेम्स को खेलने में कि बार बार एनिमीज आते हैं और हम लोग बार बार मारते चले जाते हैं। और जैसे ही आप लोगों को लगने लगेगा कि यार अब इंटरेस्टिंग गेम्स आने बंद हो गए हैं, तभी तो तबाहीदार गेम्स आएंगे, जैसे कि वीडियो का फिफ्थ गेम स्पाइडर फाइटर 3। इस गेम के अंदर आप लोगों को स्पाइडरमैन यूनिवर्स की काफी आइकॉनिक लोकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल ऑस्कॉर्प टावर। और आप लोग सोच रहे होंगे यार स्पाइडरमैन का गेम है तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन ही तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। होमकमिंग मूवीज में हमें आयरन मैन मिलता था, तो इस गेम के अंदर भी आयरन मैन मिलेगा। जी हाँ, एक प्रॉपर आयरन मैन सूट जिसे आप उड़ा सकते हैं, सामने आने वाले एनिमीज को मार सकते हैं। सोचिए एक सिंगल गेम के अंदर स्पाइडरमैन के मसे लो और बाद में आयरन मैन के मसे लो, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आते हैं, बॉस बैटल्स देखने के लिए मिलती हैं। और रही बात गेम के साइज की तो वो है सिर्फ और सिर्फ 170 MB। और इसी के साथ में चलिए बात करते हैं वीडियो के सिक्स्थ गेम की, जो की है डेथ ऑफ द ब्रेथ। सास की हत्या हो गई। इस गेम के अंदर आप लोग एक अच्छे पिता और एक अच्छे हस्बैंड की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपका परिवार यानी कि आपका बेटा और आपकी वाइफ एक हॉस्पिटल के अंदर कैद है, जो कि सराउंडेड है ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट से। अब ये कर्तव्य बनता है हमारे इन कंधों पर, इन्हीं कंधों पर, कि हम लोग जाएं और उन्हें बचाएं। So, 28 different varieties की weapons मिल जाएंगी, जिनमें से अपनी पसंद की हम लोग चलाएंगे। 10 अलग अलग locations मिलती हैं, जिनके अंदर जाएंगे, सामने आने वाले enemies को मारेंगे और अपने बेटे और अपनी वाइफ को बचा करके लाएंगे।
रही बात गेम के साइज की तो वो है 170 MB। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो का एक इंटरेस्टिंग गेम, पुलिस ऑफिसर सिमुलेटर। अगर आप लोगों का भी बचपन से ये सपना था कि मैं बड़ा होकर के एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या नहीं भी था और आप लोग एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ जीना चाहते हैं, तब तो ये गेम डेफिनेटली गेम डेवलपर्स ने आपके लिए ही बनाया है। इस गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 100 MB और यहाँ पर आप एक कॉप की लाइफ जीते हैं, यानी कि कॉप के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो गुंडों को पकड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की व्हीकल्स ड्राइव करने के लिए भी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल पुलिस की गाड़ी तो चलाएंगे ही, उसी के साथ में प्लेन्स वगैरह भी चलाने के लिए मिल जाएंगे। गेम ओपन वर्ल्ड रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिशंस कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे और गेम की ग्राफिक्स भी डिसेंट रहेगी। और चलिए फटाफट से बात करते हैं वीडियो के इस गेम की, जो कि है डार्क पैसेज। जब आप लोग गेम के नाम में डार्क सुनते हैं तो क्या आप लोगों को लगता है कि गेम डेवलपर्स ने उस वर्ड को सीरियसली लिया होगा? लेकिन इस गेम के अंदर लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको काफी डार्क हॉरिफिक माहौल मिल जाएगा। वैसे तो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है, बिकॉज आप लोग एक्सप्लोर करना होता है डंजन्स को और वहां से ट्रेजर और पजल्स को सॉल्व करना होता है। सामने पता नहीं कैसे कैसे खतरनाक क्रिएचर्स आएंगे, उनसे फाइट कीजिए, पजल्स को सॉल्व कीजिए और लेवल बाय लेवल गेम में प्रोग्रेस कीजिए। और इन सब के साथ साथ गेम का साउंड ट्रैक भी काफी शानदार मिलेगा। रही बात गेम के साइज की तो वो है 170 MB। और ये लीजिए, देखते ही देखते हम लोग आ पहुंचे हैं वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की तरफ, जो कि है मास्टर म्यूजियम। यार मुझे नहीं पता गेम डेवलपर्स ने इस गेम की कहानी कौन सा गांजा या फिर कौन सा नशा फूंक करके लिखी है, लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर आप लोग का सपना है एक ऐसा म्यूजियम बनाने का जहाँ पर मॉन्स्टर्स को रखा जाए, तो वो सपना इस गेम को खेल के सच कीजिए। जाइए एक्सप्लोरेशन पर इस ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर, जहाँ मॉन्स्टर्स का शिकार कीजिए और फिर अपने म्यूजियमों ने लेकर के आइए। लाइक व्हाट द एफ, 50 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे, बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाएगा, वाइब्रेंट कलर्स मिल जाएंगे और गेम का साइज रहेगा 170 MB। लगता है इस 170 नंबर से ना गेम डेवलपर्स को बड़ा ही प्यार हो गया, हर दूसरे गेम का साइज 170 MB हो जा रहा है। चले फिर आप और हम देखते ही देखते आप पहुंचे हैं वीडियो के अंत पर, यानी बात करते हैं वीडियो के 10th एंड फाइनल गेम की। लेकिन उससे पहले, अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहां तक देख ली है तो आप चैनल के प्राइम मेंबर्स, और ऐसे प्राइम मेंबर ये आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और रही बात 10th गेम की तो वो है ज़ॉम्बीज वर्सेस मसल कार। अब इस 160 MB के गेम के अंदर समझाने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, गेम के नाम ने ही सब कुछ बोल दिया है। एक तरफ रहने वाले हैं ज़ॉम्बीज और एक तरफ रहेंगे आप अपनी मसल कार के अंदर। आपकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अपने सामने आने वाले सारे के सारे मॉल, आप लोगों की कोशिश यही रहेगी कि अपने सामने आने वाले सारे के सारे ज़ॉम्बीज को अपनी मसल कार के नीचे कुचल दे, रौंद दे, तोड़ दे, चीड़ दे। YouTube सुन तो नहीं लाना ये सारी बातें। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ लेवल्स मिल जाते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होगा, और फिर आप लोगों को अपग्रेडेशंस के नए ऑप्शंस खुल जाएंगे, फिर आप लोग नई नई गाड़ियों को खोल पाएंगे और एक मिशन के अंदर तो हेलीकॉप्टर भी उड़ा पाएंगे। सोचिए कितना मजा आएगा हेलीकॉप्टर से ज़ॉम्बीज को मारने में, जाइए खुद से ट्राई कीजिए। तो मेरे भाइयों, कैसी लगी आप लोगों हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना मत भूलना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। कैसी कंजूसी, और फ्यूचर में वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो जुड़ जाओ इस परिवार से, बिकॉज आपके लिए ना मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना करके रखी है, वो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्रोटेक, मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।